नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं दर्शकों कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए मनुष्य बहुत संघर्ष करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं तमाम समस्याओं का विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिससे कठिन से कठिन बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है। आप सोच रहे होंगे क्या यह संभव है, अगर हाँ तो फिर कैसे। तो चलिए, इन सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बुध राहु युति के बारे में और उसके तमाम सारे जो कुछ फल हो सकते हैं वो यहाँ आचार्य जी से जानेंगे, क्या कुछ इसके अशुभ प्रभाव होते हैं वो भी जानेंगे और साथ साथ उपचार भी जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे पहली चार राशियों को लेकर, उसके बाद आप लोग के जो कुत्ते पस मेल के माध्यम से आए हैं उन सवालों को भी यहां पर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशियों से। मेष राशि वाले, आज परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा परिवार आज खुशियां मनाने में मग्न रहेगा। आज गरीबों की सेवा करके दिन की शुभता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज कुछ परिवार के लोगों का आपसी मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संयम और शांति से सबको काम लेना होगा। गरीबों को अन्न का दान करके दिन को शुभ बनाया जा सकता है। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज केवल 55% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज समाज में आपकी स्वच्छ छवि का निर्माण होगा, आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आज आपको पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे और धन लाभ भी होगा, दिन शुभ है आपका। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 75% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन परोपकार में बीतेगा, आज आप गरीबों की सेवा करने जा रहे हैं, आज आपको कोई नया अधिकार भी प्राप्त हो सकता है। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। लगातार दर्शकों आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें अपनी चार डिटेल्स दे सकते हैं, नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये चार चीज़ें भेजकर आप अपना सवाल भेज दीजिए। जो भी यहाँ पर उपचार होगा वो आचार्य जी आपको बताएंगे आपकी कुंडली देख करके और क्या कुछ समस्या आ रही है उसका कारण, साथ साथ आपको निवारण भी बताएंगे। तो चलिए आचार्य जी, यहाँ पर प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रोशन चंडेल का, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 13/8/1990, समय है 1:30 दोपहर का। प्रश्न इनका है, शेयर मार्केट में इनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत कर्जे में आ चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटस और बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं, आगे क्या कुछ उपचार करना चाहिए। इनका प्रश्न है कि अब आगे मेरा जो पैसा गया है वो कैसे वापस लौटेगा। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वृश्चिक लगन और मेष राशि की है, मंगल का पूर्ण प्रभाव है इस कुंडली के ऊपर। शेयर बाजार के लिए पंचम भाव को भी देखना चाहिए, पंचम भाव में गुरु की राशि उदित होती है और गुरु नवम भाव में विराजमान है, राहु केतु एक्सिस में है और साथ में शत्रु शुक्र भी है। आपका जो धन भाव है द्वितीय भाव, वहाँ पर भी गुरु की राशि उदित होती है और वहाँ शनि विराजमान है जो कि गुरु के परम शत्रु हैं। पंचम भाव से आपको धन लेने में बहुत दिक्कत जीवन में आएगी और पंचम भाव की स्थिति ऐसी बनी हुई है
जो कि आपको लाभ कम और नुकसान अधिक होगा। और अभी जो आपकी दशा चल रही है वो भी राहु में गुरु की चल रही है, जो कि चंडाल दशा मानी जाती है, और ये दशा चलेगी मई 2025 तक। मई 2025 तक पूरी तरह से शेयर बाज़ार से दूर रहें, और उसके बाद जो भी अगर आपको करना है तो बहुत सोच समझ कर, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट कर धीरे धीरे इस काम को करें। पुखराज रतन आप धारण कर लें और विष्णु जी की आराधना करें हर बृहस्पतिवार को, और राहु की शांति के लिए 700 ग्राम जौ और 400 ग्राम लेड ये हर शनिवार को पानी में डालें। राहु शांत रहेंगे, विष्णु जी शांत रहेंगे, गुरु ग्रह शांत रहेंगे, तभी आपको इस काम में सफलता मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आगे दर्शकों बात करेंगे सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं चार राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप संसारिक सुखों को भोगने जा रहे हैं। किसी नए काम को यदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज का दिन बेहद शुभ है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 95% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले आज आपकी पारिवारिक और आर्थिक जगह पर कुछ अशांति हो सकती है, काम में दिक्कत आ सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले आज लव पार्टनर के साथ आपका सामंजस्य बढ़ेगा। आज का दिन डेटिंग के लिए बेहद शुभ है और अपनी बात रखने का दिन है। किसी गरीब को कुछ धन का दान करेंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले आज आपके ऑफिस में अपने सीनियर के साथ अनबन हो सकती है, आपको संयम से काम लेना होगा, अन्यथा आपका ही नुकसान होने का योग है। अपने कार्य कौशल से आज आप विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संयम के साथ। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। तो जैसा कि हमने कहा था कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है आचार्य जी, इसके बाद हम अपना प्रश्न पूछेंगे बुध राहु युति को लेकर। कुंडली में अगर ये युति बनती है तो जिसके अशुभ प्रभाव होते हैं उसको लेकर क्या कुछ उपचार करना चाहिए? धन्यवाद आपका। बुध और राहु की युति, कहते हैं बुध बुद्धि के कारक हैं और राहु कुशाग्र बुद्धि है। राहु एक ऐसी बुद्धि है जो किसी भी चीज़ को कभी भी उसका हल कर सकती है। अकस्मात व्यक्ति कोई भी निर्णय लेके उस कार्य को कर सकता है। राहु एक छाया ग्रह भी है। आइए जानते हैं बुध और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो क्या जातक को प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह संचार कौशल, बुद्धिमता और हास्य का कारक माना गया है, जो जातक को परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें राहु ग्रह की, तो यह ड्रैगन का सिर है। शरीर के बिना चंद्रमा का उत्तरी नोड है, जो मन के विकास में एक बड़ी भूमिका निर्वाह करता है। यह ज्ञान को विभाजित करता है और संतुष्टि के लिए आधिकारिक स्थिति के साथ भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति लालसा उत्पन्न करता है, लेकिन यह जातक को हमेशा की तरह बेचैनी भी देता है। इन दोनों ग्रहों के साथ होने से इसे जड़त्व का नाम दिया गया है, जो कि एक अशुभ योग बनता है। ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही अशुभ योग माना गया है। यदि किसी कुंडली में बुध व राहु सकारात्मक प्रभाव में हो तो यह जातक की बुद्धि को बहुत तीव्र और बहुत तर्क वाला बना देते हैं। ऐसे जातक बहुत सटीक, मजाकिया और चतुर स्वभाव के होते हैं, जहाँ वे अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से दूसरों को लाभ पहुँचाने में भी माहिर होते हैं और खुद भी लाभ अर्जित करते हैं। ऐसे जातक विपरीत परिस्थिति में स्थिति को संभाल लेते हैं। सकारात्मक बुध व राहु का संयोजन बृहस्पति के समान गुणों को देने वाला होता है, जिसके प्रभाव से जातक के पास जीवन में एक सुनियोजित एक लक्ष्य होता है और उसका एक दृष्टिकोण किसी लक्ष्य पर होता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध व राहु नकारात्मक स्थिति में आ जाए
तो ये व्यक्ति को बहुत अधिक बुरे प्रभाव देते हैं, जिससे राहु धोखे से भौतिक वस्तुओं का सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और जातक के जीवन में बुरी घटनाएं हो जाती हैं। धोखे होने की वजह से वो किसी न किसी जगह ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके विचार हमेशा गलत हो जाते हैं और वो धन कमाने की लालसा उसमें बहुत अधिक पड़ जाती है और वह गलत निर्णय ले लेता है, गलत राह पर चल पड़ता है। ऐसे मामलों में वह दूसरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और दूसरों को धोखा भी देता है। लाभ प्राप्त करने की लालसा उसको गलत कामों में अग्रसर कर देती है और एक ना एक दिन उसे कोई बुरी समस्या में फंस के जेल यात्रा तक करनी पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि बुरी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। राहु के लिए भैरव जी की और माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, साथ साथ जातक को काले तिल और जौ का दान करना चाहिए। हर बुधवार के दिन 4 मूली किसी स्वीपर को देनी चाहिए और स्वीपर्स को धन देना चाहिए। साथ साथ एक नारियल अपने सिर से 7 बार घुमाकर हर शनिवार को जल में प्रवाहित करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किन्नर और छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सारी जानकारी के लिए। आगे दर्शकों प्रोग्राम को बढ़ाते हुए बात करेंगे धनु मकर कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज आपकी संपत्ति में इजाफा हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील हो सकती है, बड़े कार्यों को आज अंजाम देने का अवसर मिलेगा, कोई भय आज आपको सता भी सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं आज प्रयास करें, उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी और जो पदोन्नति की इंतजार कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। भगवान की आराधना करना आज आपके लिए शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए आज दिन शुभ है, यदि प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, कला के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, दिन आपका उत्तम है। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, बेकार की दौड़ धूप में दिन व्यय मत करें, आज किसी के साथ अनबन में बिल्कुल भी ना उलझें, संयम से रहें, आज के दिन रांगा जल में प्रवाहित करना आपके लिए शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज केवल 55% आपको सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। आचार्य जी एक और प्रश्न यहाँ लेना चाहेंगे। रवनीत कौर हैं जो कि पटियाला पंजाब से हैं, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 26/7/1994, समय है 12:35 दोपहर का, बर्थ प्लेस पटियाला। प्रश्न इनका है कि ये काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थी, उसके बाद में इनकी शादी फिक्स हुई, लेकिन शादी के एंगेजमेंट होने के बाद में शादी टूट गई। अब ऐसे में इनका प्रश्न ये है कि क्या इन्हें यहाँ पर बात बनानी चाहिए या फिर चीजें खत्म कर देनी चाहिए। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है तुला लगन और कुंभ राशि की है, प्रेम में थे और विवाह तय हुआ और विवाह टूट गया, पंचम भाव की स्थिति देखते हैं। शनि की राशि उदित होती है, शनि स्वयं विराजमान है लेकिन चंद्रमा के साथ विष दोष बनाते हुए, मतलब कि प्रेम में असफलता। सप्तम भाव को देखें, सप्तम भाव राहु केतु एक्सिस में और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव के ही ऊपर और वहाँ पर राशि उदित होती है मंगल की जो कि शनि के परम शत्रु। सारी स्थितियाँ खराब हैं। दशा को देखते हैं, शनि राहु की दशा, शनि राहु की दशा जो कि बहुत पीड़ित दशा होती है। जब भी शनि में राहु या राहु में शनि आए तो व्यक्ति को सामंजस्य बिठाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि राहु की गति बहुत तेज है और शनि की गति बहुत धीमी, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। अक्टूबर 2024 के बाद स्थितियाँ कुछ सुधरेंगी, रिश्ता आपका बन सकता है,
परिवार को लेकर, बड़ों को लेकर बात करें, मंगलवार का दिन चयनित करें। साथ साथ आपको एक पोपल रतन धारण करना है और एक पन्ना रतन भी धारण करना है। दोनों रतन धारण करें और मंगलवार का व्रत रखें। लगातार 11 मंगलवार का व्रत रखें। पंचमुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहने और मंगलवार के दिन नमक बिल्कुल भी मत खाएं। जब व्रत खोलें तब भी मीठा खाकर ही खोलें। ये कार्य करना शुरू कर दें, विवाह का कार्य हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर के बाद। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स में, जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाएं, उसके बाद यथाशक्ति गरीबों में बांट के उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। और उसके बाद मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में बात करेंगे, जिनकी ब्याह शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है, आज 5 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें मीठे दही का भोग लगाएं, कुछ धन दें, उनके चरण छुएं पति पत्नी, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। और उसके बाद बात करेंगे अवॉइड ऑफ द डे में, यानी आज के दिन आपको कौन सी चीज का प्रयोग नहीं करना है, आइए जानते हैं। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको बैंगन का प्रयोग खाने में नहीं करना, जो कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं, ये आज आपके लिए अनिष्टकारी है। और इसके बाद जाते जाते बात करेंगे टिप्स ऑफ द डे में, ऐसे टिप जो आप सभी लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। टिप्स ऑफ द डे में आज किसी ज़रूरतमंद को चप्पल या जूता पहनाएं जिसने ना पहना हो, जो ना खरीद सकता हो। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। इसी के साथ ही दर्शकों समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार और सहयोग के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।